what is parallel lines? Two lines that never meet each other and their distance remains same are called parallel line. ऐसी lines जो कि हमारे पास एक दूसरे के opposite होती हैं और इनका distance each side से like that. ईस्ट साइड मतलब देखिए यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है एंड एट द लास्ट भी जो है वो हमारे पास डिस्टेंस क्या है सेम है. और क्योंकि ये लाइन है तो इसकी दोनों साइड के ऊपर आपके पास क्या क्या है, एरोज हैं. ठीक है, एरोज होते हैं ना लाइन के साइड्स पे. और पैरेलल लाइन आर डिनोटेड टू द सिंबल. आपके पास पैरेलल लाइन जो है वो किस तरह से डिनोट होती हैं, दिस इज़ द सिंबल. इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन आपके पास आती हैं और आपके पास जो है वो इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन आती हैं और ये शो करती हैं पैरेलल लाइंस को. ठीक है, पैरेलल लाइन कैन नेवर बी मीट विथ ईच अदर. पैरेलल लाइन जो है वो कभी भी मीट नहीं करते एक दूसरे के साथ. ठीक है, नाउ नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती है. नॉन पैरेलल लाइन इफ़ टू और मोर लाइन मीट ईच अदर एट द पॉइंट दे आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइन. दो या दो से ज़्यादा मोर पॉइंट जो है जब आपस में मिल जाते हैं तो वो आपके पास क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस. लाइक दैट आप इधर देखें, यहाँ पे ये देखें थ्री लाइंस हैं, ये वन टू एंड ये थ्री. ये तीनों लाइंस जो हैं वो आपस में जो है वो मीट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं. तो ये लाइंस आपके पास कौन सी लाइंस हैं, नॉन पैरेलल लाइंस हैं. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट रे. रे आपके पास क्या होता है, रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट एंड गोज ऑन एंड ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो. रे का जो है आपके पास कोई भी एक पॉइंट होता है. लाइक दैट आप भी देखें, ये आपके पास एक पॉइंट है और एक साइड से ये एरो है, मीन ये एक्सटेंड हो सकती है ऑन एंड ऑन. जितना फर्दर चाहें आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ये आपके पास क्या है, रे. यानी कि एक इसका फिक्स पॉइंट होगा, अदरवाइज सेकेंड हैंड जो है वो उसका क्या होगा, आपके पास एरो पॉइंट होगा. यानी कि आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड, फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो. जहाँ से एरो है वो पॉइंट आपको पता है कि एरो क्या होता है, एक्सटेंड होता है. नाउ कम ऑन कर्व लाइन. व्हाट इज़ कर्व लाइन. आपको पता है कि लाइन जो है हमेशा स्ट्रेट होती है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो कर्व लाइन है. ये कर्व लाइन आपके पास क्या होती है, देखिए ये जो कर्व लाइन आपको नज़र आ रही है, ये कर्व लाइन जो है आपके पास बैंड होती है. क्या होती है, ये बैंड. अ कर्व लाइन इज़ वन दैट इज़ नॉट स्ट्रेट बट इट इज़ बैंड. कर्व लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि बैंड होती है बल्कि स्ट्रेट नहीं होती. ठीक है, ये क्या होती है, बैंड होती है, कर्व लाइन. कर्व मीन्स ही क्या है आपके पास, कर्व मीन्स क्या है आपके पास, बैंड. कर्व मीन्स बैंड. इज दैट क्लियर. नाउ अब आपने इसमें से बतानी है कि प्रैक्टिस के लिए कि कौन सी जो है वो लाइन है, कौन सी रे है और कौन सी आपके पास जो है वो लाइन सेगमेंट है. देखिए यहाँ पे जो है वो, इधर अगर आप देखते हो तो इधर आपके पास जो है, इधर आपके पास क्या है, दोनों साइड पे जो है वो एरोज हैं. जब दोनों साइड पे एरो होंगी तो ऐसी लाइन आपके पास क्या कहलाएगी, लाइन. ठीक है, यहाँ पे आपकी वन साइड एरो है नंबर टू के अंदर और एक साइड पे एरो है. वन एंड फिक्स है और सेकेंड एंड के ऊपर क्या है, एरो. तो इसका मतलब ये क्या है, आपके पास रे है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास दोनों जो है वो पॉइंट है. ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, लाइन सेगमेंट. नंबर फोर देखें, आपके पास एक एंड फिक्स है और एक एंड में एरो, तो ये आपके पास क्या हो गई, रे. एंड से फाइव वाली भी आपके पास क्या है, क्योंकि वन एंड क्या है इसका, फिक्स है. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. ये आप बता चुके थे कि व्हाट इज़ दिस. यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है वो देखें फिक्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों पॉइंट क्या हैं, यहाँ पर फिक्स है. तो आपके पास ये क्या होंगी, ये आपके पास क्या है, दोनों पॉइंट फिक्स है, तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है. यहाँ पे आपके पास दोनों में एरो बने हुए, तो इट मीन्स ये क्या है, आपके पास लाइन है. अब आप देखें इधर, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं टू बी वाले पार्ट के अंदर, ये तीनों क्या हैं आपके पास, पैरेलल लाइन है. ये तीनों नज़र आ रही हैं आपके पास, ये तीनों क्या हैं आपके पास, कौन सी लाइंस हैं, दे आर पैरेलल लाइंस. नाउ कम ऑन दिस वन, दिस इज़ कर्व लाइन, दिस इज़ नॉन पैरेलल लाइन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं. ठीक है, नाउ बी वाला क्या लिखा हुआ है, अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ वन फिक्स एंड पॉइंट. किसी का एक फिक्स एंड पॉइंट होता है, हम क्या कहते हैं,
रे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, रे कहते हैं, ठीक है। नाउ वो लाइन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स एंड पॉइंट होता है। अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ वन फिक्स पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ लाइन का जो है वो एक फिक्स पाथ होता है, जबकि लाइन के तो फिक्स पाथ होते ही नहीं हैं, क्योंकि उसके दोनों पार्ट जो हैं वो एरो से शो होते हैं, वन एंड एंड सेकेंड एंड बोथ एंड, और इसके अलावा वो एक्सटेंड हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास, फॉल्स। वर्टिकल लाइन गोज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वर्टिकल लाइन जो वो ऐसे यू मूव करती है, देखिए वर्टिकल लाइन आपके पास ऐसे मूव करती है, ऐसे तो मूव नहीं करती वर्टिकल लाइन, बल्कि आपके पास वर्टिकल लाइन इस तरह से अप्स एंड डाउन होती है। तो ये वाला आपका सी भी क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। अब आप देखें हॉरिजॉन्टल लाइन गोज अप्स एंड डाउन, ये भी फॉल्स है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट क्या करती है, मूव करती है। नाउ कम ऑन इफ टू और मोर लाइन्स आर पैरेलल विल नेवर मीट, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, इज इट ट्रू, फाइन, ये आपके पास क्या है, ट्रू है। नाउ कम ऑन दिस वन इज़ द सिंबल, ये जो दो आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन्स को जो है वो हम किससे शो करते हैं, पैरेलल लाइन्स को हम ऐसे शो करते हैं। तो ये जो सिंबल है ये कौन सा है, पैरेलल लाइन्स है। कर्व लाइन कैन मेजर विद अ रूलर, कर्व लाइन जो है वो रूलर से मेजर करते हैं। नाउ कर्व लाइन हम किससे मेजर करते हैं, थ्रेड से। द लॉन्ग स्ट्रेट एजेस ऑफ अ रूलर आर, जो स्ट्रेट लॉन्ग और स्ट्रेट एजेस हैं रूलर के उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल, नॉन पैरेलल, कर्व्ड और पैरेलल, यस। अच्छा ये टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा, जब ये पढ़ेंगे तो उसको फिल करेंगे। द शेप ऑफ अ सेट ऑफ स्क्वायर आपके पास, ये भी आपने नहीं पढ़ा अभी। अ लाइन सेगमेंट है, आपको पता है टू एंड पॉइंट उसके होते हैं, इज दैट क्लियर। नाउ आपने इसमें बतानी कि कौन सी दो लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। आप देखें, आप यहाँ पे देखने के ये दो